यंग टाइगर जूनियर इंटियर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का मोस्ट टैलेंटेड यंग एक्टर है, जिन्होंने 2001 से शुरू करके अभी तक की कई सारी सक्सेसफुल फिल्में दे चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं जूनियर इंटियर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आप हो जूनियर इंटियर के फैन, तो वीडियो शुरू से इन तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 1, निन्नू चोदालानी। ये 2001 का तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है प्रताप ने, और इसमें जूनियर इंटियर और रवीना राजपूत लीड रोल में है, और इसका IMDb रेटिंग मिला है 4.8 आउट ऑफ 10, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप निकला। नंबर 2, स्टूडेंट नॉन्ग वन। ये 2001 का कमिंग ऑफ एज एक्शन फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है SS राजामौली ने, और इस फिल्म के साथ डायरेक्टर राजामौली की टॉलीवुड में डिबट हुए थे, और इसमें जूनियर इंटियर और गजाला लीड रोल में है। इसमें आदित्य लॉ कॉलेज में एडमिट लेता है, और फिर वो कैसे स्टूडेंट्स को रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं वह इसमें दिखाई गई है, और इसका हिंदी डब्ड है आज का मुजरिम नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, और इसका IMDb रेटिंग मिला है 6.8 आउट ऑफ 10, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। नंबर 3, सुब्बू। ये 2001 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है सूरज वर्मा ने, और इसमें जूनियर इंटियर सोनाली जोशी लीड रोल में है, और इसका हिंदी डब्ड है टाइगर वन मैन आर्मी नाम से, और इसका IMDb रेटिंग मिला है 4.8 आउट ऑफ 10, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप निकला। नंबर 4, आदि। ये 2002 का तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है विनायक ने, और इसमें जूनियर इंटियर और कीर्ति चावला लीड रोल में है। इसमें आदि ने अपने पेरेंट्स का मर्डरर नागी रेड्डी का कैसे रिवेंज लेते हैं वही इसमें दिखाई गई है, और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.3 आउट ऑफ 10, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 5, अल्लारी रामुदु। ये 2002 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है बी गोपाल ने, और इसमें जूनियर इंटियर नगमा गजाला और आरती अग्रवाल लीड रोल में है, और इसका हिंदी डब्ड है मैं हूँ खुद्दर नाम से, और इसका IMDb रेटिंग मिला है 4.5, और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 6, नागा। ये 2003 का पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है DK सुरेश ने, और इसमें जूनियर इंटियर और साधा लीड रोल में है, और इसका IMDb रेटिंग मिला है 4.3, और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 7, सिम्हाद्री। ये 2003 का एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है SS राजामौली ने, और इसमें जूनियर इंटियर अंकिता और भूमिका चावला लीड रोल में है। इसमें राम और कस्तूरी की प्यार को लेकर फैमिली फाइटिंग को दिखाई गई है, और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.4 आउट ऑफ 10, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 8, आंध्रावाला। ये 2004 का एक्शन फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है पुरी जगन्नाथ ने, और इसमें जूनियर इंटियर और अक्षिता लीड रोल में है, और इसका IMDb रेटिंग मिला है 3.7, और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 9, सांबा। ये 2004 का एक्शन फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है VV विनायक ने, और इसमें जूनियर इंटियर भूमिका चावला और जेनेलिया D'Souza लीड रोल में है। इसमें सांबा सभी लोगों के लिए एडुकेशन को अवेलेबल करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, पर बाद में कैसे पशुपति इसके अगेंस्ट में फाइटिंग करते हैं वह इसमें दिखाई गई है, और इसका IMDb रेटिंग मिला है 5.1 आउट ऑफ 10, और यह फिल्म हिट साबित हुई। नंबर 10, नाल लुदु। ये 2005 का कॉमेडी फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है वारा मुल्लापुदी ने, और इसमें जूनियर इंटियर श्रेया शरण और जेनेलिया D'Souza लीड रोल में है, और इसका हिंदी डब्ड है मैं हूँ गम्बलर नाम से, और इसका IMDb रेटिंग मिला है 3.4 आउट ऑफ 10, और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 11, नरसिम्हुदु। ये 2005 का एक्शन मसाला फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है बी गोपाल ने, और इसमें जूनियर इंटियर और अमीषा पटेल लीड रोल में है, और इसका हिंदी डब्ड है द पावर ऑफ नरसिम्हा नाम से, और इसका IMDb रेटिंग मिला है 3.2, और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 12, अशोक। ये 2006 का रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है सुरेंद्र रेड्डी ने, और इसमें जूनियर इंटियर और समीरा रेड्डी लीड रोल में है, और इसका हिंदी डब्ड है द फाइटर मैन घायल नाम से, और इसका IMDb रेटिंग मिला है 5.9 आउट ऑफ 10, और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर 13, राखी। ये 2006 का एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है कृष्णा वंशी ने, और इसमें जूनियर इंटियर और इलियाना डी क्रूज लीड रोल में है। इसमें रामा कृष्णा का बहन को उनके ससुराल ने जिंदा जला देता है, और इसके बाद रामा ने
कैसे औरत को हैरेस करने वाले हर एक आदमी को मर्डर करते हैं वह इसमें दिखाई गई है। और इसका हिंदी डब है द रिटर्न ऑफ कलिया नाम से। और इसका IMDb रेटिंग मिला है 6.5 आउट ऑफ 10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 14 यामा दोंगा। यह 2007 का फैंटेसी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है एस राजामौली ने और इसमें जूनियर इंटर, ममता मोहनदास और प्रिया मनीली ड्रोन में है। और इसका हिंदी डब्ड है लोक पर लोक नाम से। और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.4 आउट ऑफ 10 और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर 15 कंट्री। यह 2008 का एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है मेहर रमेश ने और इसमें जूनियर इंटर, हंसिका मतवानी और तनिषा मुखर्जी लीड रोल में है। और इसका IMDb रेटिंग मिला है 5.1 आउट ऑफ 10 और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर 16 अधूर्स। यह 2010 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है वी वीर विनायक ने और इसमें जूनियर इंटर, नयनतारा और शीला लीड रोल में है। इसमें एक औरत जब तीसरी बार के लिए मारे हुए बच्चे पैदा देती है तब उनकी सास ने कैसे दूसरी औरत के बच्चे से इस बच्चे को एक्सचेंज कर देते हैं वह इसमें दिखाई गई है। और इसका IMDb रेटिंग मिला है 6.8 आउट ऑफ 10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 17 वृंदावनम। ये 2010 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है वंशजी पाइडिपल्ली ने और इसमें जूनियर इंटर, काजल अग्रवाल और समंता लीड रोल में है। इसमें इंदु अपनी बॉयफ्रेंड कृष्णा को भूमि के साथ प्यार का एक्टिंग करने के लिए कहती है पर बाद में कैसी एक सीरियस इशू बन जाते हैं वह इसमें दिखाई गई है। और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.1 आउट ऑफ 10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 18 शक्ति। यह 2011 का फैंटेसी एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है मेहर रमेश ने और इसमें जूनियर इंटर, इलियाना डी क्रूज और पूजा बेडी लीड रोल में है। इसका IMDb रेटिंग मिला है 3.5 और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 19 ओसारा वेली। ये 2011 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है सुरेंद्र रेड्डी ने और इसमें जूनियर इंटर और तमन्ना लीड रोल में है। इसमें टॉनी कैसे निहारिका के फैमिली का मर्डरर का रिवेंज लेते हैं वह इसमें दिखाई गई है। और इसका IMDb रेटिंग मिला है 6.6 आउट ऑफ 10 और ये फिल्म हिट साबित हुई। नंबर 20 दम्मू। ये 2012 का एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है बयाप्ति श्रीनु ने और इसमें जूनियर इंटर, त्रिशा और कार्तिका नायर लीड रोल में है। और इसका हिंदी डब है धामू नाम से और इसका IMDb रेटिंग मिला है 5.3 आउट ऑफ 10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज निकला। नंबर 21 बादशाह। ये 2013 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है श्रीनु वैताला ने और इसमें जूनियर इंटर और काजल अग्रवाल लीड रोल में है। इसमें एक IPS एस्पिरेंट कैसे एक फेयरलेस बच्चा बन जाते हैं वह इसमें दिखाई गई है। और इसका IMDb रेटिंग मिला है 6.5 आउट ऑफ 10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर 22 रामैया वास्तवैया। ये 2013 का एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है हरीश शंकर ने और इसमें जूनियर इंटर और समंता लीड रोल में है। और इसका IMDb रेटिंग मिला है 5.1 और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 23 रभासा। ये 2014 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है संतोष श्रीनिवास ने और इसमें जूनियर इंटर और समंता लीड रोल में है। और इसका IMDb रेटिंग मिला है 5 और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 24 टेम्पल। ये 2015 का एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है पुरी जगन्नाथ ने और इसमें जूनियर इंटर और काजल अग्रवाल लीड रोल में है। इसमें करप्ट पुलिस ऑफिसर डायन स्मगलर को हेल्प करते हैं पर बाद में शनवी से मिलकर वो कैसे स्मगलिंग के अगेंस्ट में फाइट करते हैं वह इसमें दिखाई गई है। और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.4 आउट ऑफ 10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 25 नन्ना को प्रेमाथु। ये 2016 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है सुकुमार ने और इसमें जूनियर इंटर और राकुलप्रीत सिंह लीड रोल में है। इसमें अभिराम कैसे गेम खेलकर अपने फादर का बिजनेस को सेव करते हैं वह इसमें दिखाई गई है। और इसका हिंदी डब है फैमिली एक डील नाम से और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.7 आउट ऑफ 10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर 26 जनाथा गैरेज। ये 2016 का एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है कोराटला सिवा ने और इसमें मोहनलाल, जूनियर एनटीआर, समंता और नित्या मेनन लीड रोल में है। इसमें आनंद और उनका गैरेज वर्कर्स ने मिलकर कैसे लोकल गुंडा को अगेंस्ट में फाइट करते हैं वह इसमें दिखाई गई है। और इसका हिंदी डब है जनाथा गैरेज नाम से
और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.3/10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 27, जाय लवा कुसा। ये 2017 का एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है केएस रविंद्र ने और इसमें जूनियर इंटियर, ऋषि खन्ना और निवेदिता थॉमस लीड रोल में है। इसमें जाय लवा और कुशा तीनों भाई एक जैसे देखते हैं और इसमें तीनों का अलग अलग पर्सनालिटी को दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.2/10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 28, अरविंदा समेथा वीरा राघवा। ये 2018 का एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और इसमें जूनियर इंटियर और पूजा हेगड़े लीड रोल में है। इसमें एक लड़का अपने पावरफुल फैमिली का वायलेंस को कैसे फुल स्टॉप देते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.7/10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 29, RRR। ये 2021 का अपकमिंग पीरियड एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट कर रही है SS राजामौली ने और इसमें रामचरण, जूनियर एनटीआर, आलिया भट्ट, ब्रिटिश एक्ट्रेस ओलिविया मोरिस लीड रोल में है और साथ ही साथ इसमें अजय देवगन सर की एक इम्पॉर्टेंट एक्शन रोल भी देखने को मिलेगा और ये प्री इंडिपेंडेंस एरा बेस्ड फिल्म है। इसमें इंडियाज फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीताराम राजू और कुमारम भीम के ब्रिटिश राज एगेंस्ट पे वार को दिखाया जाएगा और इस फिल्म को बाहुबली से बड़ा करके बनाई जा रही है और इसलिए इस फिल्म का बजट भी काफ़ी हाई है और RRR का बजट है 400 करोड़ और ये फिल्म इस वक्त का सबसे हाइप वाला फिल्म बन गई है। तो दोस्तों, आप RRR के लिए कितना एक्साइटेड है कमेंट करके बताना और साथ ही साथ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कमेंट करके बताना। नंबर 30, जूनियर एनटीआर और त्रिविक्रम श्रीनिवास अनटाइटल मूवी। ये 2021 का अपकमिंग ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और इसमें जूनियर एनटीआर लीड रोल में है और इससे पहले जूनियर एनटीआर त्रिविक्रम दोनों ने मिलकर 2018 में अरविंदा समेथा वीरा राघवा जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं और अभी इस फिल्म का स्क्रिप्ट पर काम चल रही है। और बता दो दोस्तों, ये फिल्म रिलीज होगा 2021 में। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है कमेंट करके बताना और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, ये रहा जूनियर एनटीआर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में। इन सभी फिल्मों से कौन सी फिल्म अच्छी लगी कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस तरह की बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज अपडेट पाने के लिए मॉरिशस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।